हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्योरी बटन। इस वीडियो में हम देखेंगे 12th पीसीबी के बाद हम एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस इनके अलावा और क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं विच आर अवेलेबल इन मेडिकल कॉलेजेस। 10th क्लास के बाद जब स्ट्रीम चुनने की बारी आती है तो जब बच्चा इसमें पीसीबी ऑप्ट करता है तो उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल रहता है कि उसे मेडिसिन में आगे अपना कैरियर फॉलो करना है। मगर क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टफ है और सीट जो है उसके अकॉर्डिंग है नहीं, सो हमारे पास और भी कैरियर ऑप्शन हमें एक्सप्लोर करने चाहिए वहां पर मेडिकल फील्ड में रहते हुए एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट 25 प्लस कैरियर्स जो कि हम ऑप्ट कर सकते हैं अदर देन द ट्रेडिशनल मेडिकल कोर्सेज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, व्हाट द बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th विद पीसीबी। तो क्लास 12th में हमारे पास साइंस होती है, सो हमारे पास बहुत सारे फील्ड एवेन्यूज खुले रहते हैं। या तो हम जो साइंस की फील्ड है उसमें भी जा सकते हैं, इसके अलावा जो दूसरी फील्ड हैं लाइक मैनेजमेंट हो गया, डाइटिक्स, न्यूट्रिशन हो गया, सारे कोर्सेज हम कर सकते हैं। मीन्स सभी जगह हाथ पांव मारे जा सकते हैं अगर हमने साइंस लिया है इन क्लास 12th। और अगर हमारे पास पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन है फिर तो बात ही क्या है, सारी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। मगर फिर भी हम अपना फोकस रखेंगे कि अगर हमारे पास पीसीबी है और हम उसी फील्ड के थ्रू क्या क्या कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखो दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है मेडिकल और दूसरा होता है नर्सिंग, फार्मेसी, जो पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं उनके लिए। तो मेडिकल कोर्सेज के बारे में तो मोस्ट ऑफ द पीपल इनको पता ही होता है कि कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज हैं, लाइक एमबीबीएस जो बहुत फेमस है, सारा जो कंपटीशन होता है नीट का वो इसी के लिए होता है, दैट इज बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके अलावा डेंटल के कोर्स दैट इज बीडीएस, इसके अलावा बीएमएस बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एक बीयूएमएस होता है दैट इज बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, एक बीएचएमएस होता है दैट इज बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, योगा एंड नेचुरोपैथी होता है, इसके अलावा सिद्धा मेडिसिन होता है जो कि बेसिकली तमिलनाडु की साइड में होता है कोर्स, और एक होता है हमारे पास सोवारिपा। सोवारिपा क्या है, इट इज तिब्बतन मेडिसिन। मगर मोस्टली जो कंपटीशन होता है इट इज फॉर द एमबीबीएस सीट। इसके अलावा रैंक जब कम रह जाती है सो उनमें बीडीएस, बीएमएस और बाकी जो दूसरे कोर्सेज हैं उनके बारे में देखा जाता है। मगर हर साल करीब 20 लाख लोग भरते हैं नीट का फॉर्म, और एमबीबीएस की सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में है 50,000। इसके अलावा आप बीडीएस, बीएमएस इन सबकी भी सीटें जोड़ लोगे सो मैक्सिमम जो सीटें पहुंचेंगी वो पहुंचेंगी 1 लाख। मगर बच्चे तो 20 लाख हैं सो बाकी लोग क्या देखेंगे, सो देयर आर अदर करियर ऑप्शन। हॉस्पिटल जो है सिर्फ डॉक्टर के वजह से नहीं चलता है, इसके अलावा उसमें और सारे जो कोर्सेज होते हैं और सारे जो स्टाफ होते हैं वो चाहिए होता है। सो हम वहां पर कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज ट्राई कर सकते हैं या वहां कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू वहां पर जा सकते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। जो मेडिकल फील्ड है उसके अलावा या तो हम नर्सिंग कर सकते हैं या फार्मेसी कर सकते हैं, या हमारे में बहुत सारे पैरामेडिकल और अलाइड साइंसेज के कोर्स हैं वो सारे कोर्सेज उसमें कर सकते हैं। सो मेडिसिन तो है ही नोबल प्रोफेशन, अगर आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाता है तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं, फिर तो बस आपका ही जलवा होगा। और आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है दूसरा, तो चलो उसमें मूव करते हैं। सो इस वीडियो हम देखेंगे अबाउट द नर्सिंग कोर्सेज, नर्सिंग में बैचलर कोर्स क्या होता है, डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा फार्मेसी के बैचलर्स और डिप्लोमा कोर्सेज, इसके अलावा जो पैरामेडिकल है उसमें कौन कौन से बैचलर्स कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला कोर्स आता है नर्सिंग। सो नर्सिंग जो है आप दो टाइप से कर सकते हैं, या तो नर्सिंग में आप कर सकते हैं बैचलर्स कोर्स या नर्सिंग में कर सकते हैं आप डिप्लोमा। सबसे पहले देखेंगे हम कि आप एक बैचलर्स डिग्री नर्सिंग में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो कोर्स होता है दैट इज बीएससी नर्सिंग, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 12th पीसीबी। अब इसमें जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन इज थ्रू द नीट, एटलीस्ट दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं आइदर जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, सभी कॉलेजेस जो हैं वो नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। मीन्स नीट की रैंकिंग वहां पर वैलिड होती है और कोई दूसरा अलग से एंट्रेंस नहीं होता है फॉर द बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा कुछ और जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है लाइक जो बीएचयू है, बीएचयू भी नीट के थ्रू होता है, जिपमर है, जिपमर भी नीट के थ्रू होता है, इसके अलावा एक भोपाल नर्सिंग कॉलेज है वहां पर भी नीट के थ्रू होता है। इसके अलावा और जो कुछ नेशनल लेवल के कॉलेजेस लाइक जो पीजीआई है, पीजीआई में अपना अलग एग्जाम होता है जो पीजीआई चंडीगढ़ है, इसके अलावा जो यूपी है, यूपी में अलग से नर्सिंग का एंट्रेंस होता है, राजस्थान में अलग से नर्सिंग का एंट्रेंस होता है, वहां पर नीट के थ्रू नहीं होता है। तो अगर आपको नर्सिंग में जाना है तो नीट का फॉर्म तो भरना ही है अगर आपको दिल्ली में लेना है एडमिशन। इसके अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके फॉर्म अलग से निकलते हैं, वो टाइम टू टाइम आपको जो वीडियो है उसकी अपडेट्स मिलती रहती है। अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, सो टोटल 4 साल का होता है ये कोर्स। अब बात करें फीस की, तो फीस गवर्नमेंट और प्राइवेट और स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो बहुत नॉमिनल सी फीस है, 3,000 से लेकर 12,000 रुपए तक के बीच में वेरी करेगी फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस, कॉलेज टू कॉलेज और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर प्राइवेट की बात करें लाइक जैसे सेंट स्टीफन है या लक्ष्मी बत्रा कॉलेज है दिल्ली में, वहां की जो फीस है वो आपको 1.5 लाख पड़ेगी पर एनम। तो देखो कितना सारा डिफरेंस आ जाता है, गवर्नमेंट में जो फीस पड़ रही है वो अप्रोक्स आपको 10 से 12,000 रुपए पड़ेगी, इसके अलावा जो प्राइवेट में वही फीस है वो पड़ेगी करीब 1.5 लाख के अराउंड पर ईयर। जो दूसरे स्टेट्स हैं, दूसरे स्टेट्स में जो गवर्नमेंट की फीस है लाइक अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फीस आपको पड़ेगी करीब 40,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 40-42,000 से अप्रॉक्स स्टार्ट होती है पर ईयर के अकॉर्डिंग फीस।
तो सबसे सस्ती फीस मिलती है आपको दिल्ली में। इसके अलावा अगर बात करें एम्स की, सो एम्स में तो ऑलमोस्ट फ्री ही है, आपको 5000 में पूरा बेसिक नर्सिंग का कोर्स हो जाएगा, इतनी कम फीस है। इसके अलावा स्टाइपेंड वहां अलग से मिलता है। इसके अलावा जो पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई चंडीगढ़ में जो नर्सिंग का कोर्स होता है वहां पर ये फीसें काफी कम है, 800 रुपये फीस है वहां पर ईयर। अगर बात करें सैलरी प्रोस्पेक्ट की, सो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो इनिशियल सैलरी ऑफर होती है वो फ्रेशर को 18 से 20 हज़ार करीब ऑफर होती है। इसके अलावा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 50,000, 60,000 या 80,000 तक भी प्राइवेट में जाती है। अगर बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सो दिल्ली में जो सैलरी है वो स्टार्टिंग जो होती है वो 75,000 से स्टार्ट होती है। मीन्स अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया और आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया तो स्टार्टिंग में जो सैलरी स्टार्ट होती है वो होती है 75,000 से स्टार्ट। विद टाइम एंड प्रमोशन जो सैलरी है 1.5 लाख से लेकर 1.75 लाख पर मंथ तक चली जाती है। सो नर्सिंग इज ए वेरी ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन। दिल्ली में नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स के लिए ही अवेलेबल है, इसके अलावा जो यूपी में होती है नर्सिंग वहां पर गर्ल्स बॉयज दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सो एमबीबीएस के बाद गर्ल्स के लिए जो सबसे बेटर करियर ऑप्शन बचता है वो रहता है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो बहुत आती है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। नर्स बनने का दूसरा तरीका है कि आप जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम क्या होता है? जीएनएम इज ए जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स। ये एक डिप्लोमा होता है इन नर्सिंग, टोटल ड्यूरेशन इसका 3 साल का होता है और इसका जो एडमिशन होता है इसका अलग से एंट्रेंस होता है। यहाँ पर जो पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा जो अकाउंट्स बिजनेस और आर्ट्स हिस्ट्री वगैरह जिन्होंने पढ़ी होती है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मगर मोस्टली जो एडमिशन होता है इसमें वो जिन्होंने अपना 12th पीसीबी के साथ किया है, क्योंकि एंट्रेंस में तो पीसीबी ही पूछते हैं मैक्सिमम, तो जिन्होंने अपना 12th पीसीबी के साथ किया है मैक्सिमम वही लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है। सो 3 साल का कोर्स करने के बाद या तो आप जॉब में जा सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है, आपको अगर बीएससी नर्सिंग करनी है इसके बाद तो भी आप कर सकते हैं। जीएनएम के बाद जो बीएससी नर्सिंग होती है वो होती है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर का रह जाता है आफ्टर द जीएनएम। अगर बात करें फीस की तो फीस वही सेम रहती है जितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग की फीस होती है, सेम जीएनएम की फीस है इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। दिल्ली में आपको गवर्नमेंट का एक कॉलेज मिलेगा जो कि जीएनएम ऑफर करता है और वो है राजमाता विजयादित्य सिंधिया नर्सिंग कॉलेज जो कि एमसीडी के अंडर आता है। सो उसका वीडियो है चैनल पे, डिटेल में देख सकते हैं आप, उसमें फॉर्म कब निकलते हैं वगैरह। तीसरा तरीका जिससे आप नर्स बन सकते हैं वो है एएनएम, दैट इज ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। सो एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, इसको देखो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, आपने अपना प्लस टू कहीं से भी पास किया हो, किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, बस आपके पास 12th में इंग्लिश होनी चाहिए, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका अलग से एंट्रेंस होता है। दिल्ली में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि ऑफर करते हैं एएनएम कोर्स, फीस बहुत नॉमिनल सी होती है उसमें। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन होता है 2 ईयर का। इसके अलावा एडमिशन के लिए अलग से उनका एंट्रेंस होता है। फीस जो है वही गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत नॉमिनल सी फीस है। इसके अलावा जो इनिशियल सैलरी मिलती है आपको वो सैलरी 12 से 15,000 से स्टार्ट हो जाती है, इसके अलावा मैक्सिमम जो है 20 तक जाती है यहाँ पर सैलरी। सो एएनएम करने के बाद आप जो नर्सिंग होम्स होते हैं या जो क्लिनिक्स होते हैं वहां पर एज ए नर्स वर्क कर सकते हैं। सो ये तो हमारे पास नर्सिंग कोर्स के बारे में। अब आते हैं फार्मेसी कोर्स के बारे में। सो अगर आपका मेडिसिन में इंटरेस्ट है सो आप इस कोर्स को चुन सकते हैं, दैट इज फार्मेसी। फार्मेसी करने के बाद यू कैन वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर और फार्मासिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, पैथोलॉजिकल लैब असिस्टेंट, या आप हायर एजुकेशन जो है उसमें जा सकते हैं, या अगर आप एम फार्मेसी कर लेते हैं तो उसके बाद आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप फार्मेसी के बाद लॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनके ऊपर बहुत सारे लीगल केसेस पेंडिंग होते हैं, सो आप वहां पर अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बात करें कि आप फार्मेसिस्ट कैसे बन सकते हैं तो उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप करें डिप्लोमा इन फार्मेसी या आप करें बैचलर्स इन फार्मेसी। सो एलिजिबिलिटी की बात करें अगर तो दोनों में ही जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 12th, या तो आपने पीसीबी से किया हो या आपने पीसीएम से किया हो, दोनों केसेस में आप डिप्लोमा या बैचलर्स दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बैचलर्स होती है 4 साल की, इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है 2 साल की। एडमिशन जो है कुछ कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो थ्रू एंट्रेंस होता है और कहीं कहीं पर 12th के मार्क्स के बेस पे होता है। तो दिल्ली में जो कॉलेज है दैट इज डिप्सुरू और डिप्सार, वहां पर जो एडमिशन होता है वो होता है ऑन द बेस ऑफ द 12th मार्क्स। कट ऑफ काफी हाई जाती है, सो 12वीं के मार्क्स के बेस पे एडमिशन वहां पर हो जाता है। इसके अलावा जो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दैट इज DSU, वहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स होता है, उसके लिए एक एंट्रेंस होता है और उसके थ्रू जो डिप्लोमा है उसमें एडमिशन होते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस में है वहां पर 12th के मार्क्स के बेस पे ही हो जाता है। फीस की बात करें सो बी फार्मा की फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफी हाई है, सो आपको अराउंड 1 लाख के अराउंड फीस लगेगी पर ईयर इन बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा अगर डिप्लोमा की बात करें सो डिप्लोमा में आपको 15,000 से लेकर और 30,000 तक के बीच के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की फीस है। अगर सैलरी की बात करें सो डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद एज MR या बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वहां पर जॉब मिल सकती है, स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 15 से 18 हज़ार के बीच में होती है। इसके अलावा बी फार्मा करने के बाद 20 से 25 हज़ार की स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो सैलरी है वो बढ़ती जाती है। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज की, तो जब भी गवर्नमेंट की पोस्ट निकलती है फॉर फार्मासिस्ट, तो उसमें डी फार्मा वाले और बी फार्मा वाले दोनों ही एलिजिबल होते हैं अप्लाई के लिए। सो अगर आपको ट्वेल्थ के बाद जल्दी एक ऐसा कैरियर ऑप्शन देखना है जहां से आप जल्दी रनिंग स्टार्ट कर सकें, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका आगे भी प्लान है कि आप फर्दर स्टडीज और रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप बैचलर्स भी कर सकते हैं। सो ये बात रही फार्मेसी की। अब आते हैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। सो पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जहां पर आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो कि अलग अलग स्पेशलिटीज में काम कर रहे होते हैं, सभी लोग पैरामेडिकल फील्ड से होते हैं। सो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस आल्सो। जितने भी पैरामेडिकल कोर्स है उन सबकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी 12th पीसीबी मैक्सिमम केसेस में। इसके अलावा कुछ कोर्सेज में जो पीसीएम वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कोर्स है 90% कोर्सेज में जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल होते हैं। जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 3.5 साल से लेकर और 4 साल तक का कोर्स ड्यूरेशन रहता है। अगर 3.5 साल का कोर्स है तो उसमें 3 ईयर का कोर्स रहेगा। इसके अलावा जो 6 मंथ है 6 मंथ की रहती है इंटर्नशिप। इसके अलावा अगर 4 ईयर का कोर्स है तो उसमें 3 ईयर की तो रहती है एकेडमिक्स, इसके अलावा 1 ईयर की रहती है इंटर्नशिप। सो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा आपको एक दो कोर्स ऐसे भी मिलेंगे जो 4.5 साल के होते हैं जिसमें 4 साल की एकेडमिक्स रहती है और 1/2 ईयर की रहती है इंटर्नशिप। एडमिशन जो है इसका वो आइदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं 12th के मार्क्स के बेस पर भी हो जाता है। फीस की बात करें सो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सारी बात करेंगे हम गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। सो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस रहती है इट इज अंडर 10,000 आपका जो पूरा कोर्स है वो हो जाने वाला है। अगर सैलरी की बात करें सो बेसिक नर्सिंग में जो सैलरी के प्रोस्पेक्ट होते हैं वही सेम सैलरी मिलती है यहाँ पर। मगर अगर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज की बात करें सो सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकलती है वो निकलती है नर्सिंग में। इसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनमें भी पोस्ट निकलती है मगर कंपैरेटिव टू नर्सिंग जो पोस्ट की संख्या है वो कम होती है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था जो बेस्ट करियर ऑप्शन है वो रहेगा नर्सिंग आफ्टर एमबीबीएस और अदर मेडिकल कोर्सेज। इनमें से जो सबसे पहला कोर्स आता है दैट इज बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। सो ऑप्टोमेट्री करने के बाद यू विल बी एबल टू डायग्नोस ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लाइंडनेस टू वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द आईज एंड इक्विपमेंट्स। इस कोर्स को करने के बाद आप जो आई सर्जन है उनको असिस्ट कर रहे होंगे इन वेरियस आई सर्जरीज। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग चश्मे का नंबर निकालते हैं उन लोगों ने भी जो कोर्स कर रखा होता है वो होता है बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। जॉब प्रोस्पेक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा जो अलग अलग आई सेंटर्स खुले होते हैं वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है आसानी से। नेक्स्ट जो पैरामेडिकल कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। सो जो लोग डायलिसिस करते हैं इसके अलावा जो डायलिसिस मशीन हैंडल करते हैं उनके लिए एक अलग से कोर्स होता है दैट इज डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। ये जो सभी कोर्स है इनमें बैचलर्स कोर्स भी होता है, इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स भी होता है। जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है बेसिकली जिन्होंने बैचलर्स कर रखा होता है। इस कोर्स को करने के बाद यू हैव द स्किल फॉर कैरिंग आउट डायलिसिस इन क्रिटिकल कंडीशन सच एज रीनल फेलियर, हीमोडायलिसिस। और इस कोर्स को करने के बाद यू कैन वर्क एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन इन वेरियस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और डायलिसिस सेंटर्स, वहां पर आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। ये जो कोर्सेज हैं बहुत ही स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल कोर्सेज हैं, सो इसीलिए इन सभी जो कैरियर ऑप्शन की डिमांड काफी ज्यादा है। इसका ये जो कोर्सेज है ये बहुत ही कम जगह पर अवेलेबल होते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो आपको जरूर लेना चाहिए एडमिशन। इनमें कुछ कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट जो कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। कोर्स को करने के बाद आप बन जाएंगे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और जो वेरियस ट्रॉमा कंडीशंस हैं उन ट्रॉमा कंडीशन में पेशेंट को कैसे डील करना है, आप डॉक्टर के साथ काम कर रहे होंगे इन डीलिंग द पेशेंट। 3 साल का कोर्स एकेडमिक्स में रहेगा, इसके अलावा 1 ईयर की रहेगी इसमें इंटर्नशिप। तो टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन है वो हो जाता है 4 साल का। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको कोई सी भी सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से उसमें बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा जो पे स्केल रहता है वो भी काफी हाई रहता है। इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल द पर्सन कैन इवन अर्न अप टू लैक्स। सो इतनी डिमांड है इस कोर्स की इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो पैरामेडिकल कोर्स आते हैं दैट इज बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दैट इज जो एमएलटी कोर्स होता है उसके बारे में। मीन्स आपने देखा होगा जो लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं उन लोगों ने जो कोर्स कर रखा होता है वो कोर्स होता है एमएलटी का या एमएलएस का। सो इस कोर्स में होता क्या है, क्लिनिकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस। अलग अलग डिजीज में जो जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे टेस्ट को परफॉर्म करना आपको इसमें सिखाया जाएगा। कोर्स को करने के बाद यू कैन वर्क एज ए फ्लेबोटोमिस्ट, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट, साइटोटेक्नोलॉजिस्ट, लैब इंचार्ज, टेक्निकल ऑफिसर, रिसर्च साइंटिस्ट। इसके अलावा जो हॉस्पिटल लेबोरेटरी है, जो इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी है वहां पर आप वर्क कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स आता है
बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि रेडियोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें मशीनें होती हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक आपने सुना होगा एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सो ये सब जो टेस्ट होते हैं ये स्पेशलाइज्ड पर्सन ही परफॉर्म करते हैं, और जो लोग इन्हें परफॉर्म करते हैं उन लोगों ने ये वाला कोर्स कर रखा होता है, दैट इज बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। 4 साल का कोर्स है, 3 साल की एकेडमिक्स रहती है और 1 ईयर की इसमें रहती है इंटर्नशिप। सो जो वेरियस इमेजिंग मोडालिटीज है उसके बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। कोर्स को करने के बाद आप जो वेरियस मशीन्स वगैरह हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर कैरिंग आउट द वेरियस रेडियोलॉजिकल टेस्ट, उसको ऑपरेट करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट जो पैरामेडिकल कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन डेंटल हाइजीन और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको जो वेरियस डेंटल प्रोसीजर्स हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी, लाइक टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ फिलिंग। इसके अलावा जो डेंटल सर्जन होते हैं, डेंटल सर्जन के साथ भी आप काम कर सकते हैं। सो अगर आप अभी प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं तो इस कोर्स को आप थोड़ा साइड में रखना, बाद में जो बाकी कोर्सेज हैं उनमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस कोर्स। नेक्स्ट जो कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन पैरामेडिकल। इस कोर्स को करने के बाद आपको जो डिफरेंट टाइप की एनेस्थीसिया मशीन है उसको ऑपरेट करना आ जाएगा। इसके अलावा जो वेरियस मॉनिटर्स होते हैं, पेन मैनेजमेंट डिवाइसेस, अदर सर्जिकल इक्विपमेंट्स, दे आर कॉमनली यूज्ड इन द ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। सो आईसीयू और ओटी में जो बहुत सारी मशीन्स वगैरह यूज होती हैं उन सभी को ऑपरेट करना, इसके अलावा उनकी फंक्शनलिटीज क्या क्या हैं वो सारी चीजें इसमें आपको पता चलेंगी। यहाँ पर भी आप जो अलग अलग सर्जन हैं उन सब सर्जन के साथ काम कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छा इसमें स्किल होता है, पे स्किल भी काफी ज्यादा होता है इसमें। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज। नेक्स्ट जो पैरामेडिकल कोर्स आता है दैट इज बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। सो ये एक अच्छा कोर्स है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मीन्स रेडिएशन थेरेपी। तो बेसिकली जिन लोगों को कैंसर होता है सो उनमें रेडियोथेरेपी दी जाती है। सो रेडियोथेरेपी देने के लिए जो टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड होते हैं उन लोगों ने ये वाला कोर्स कर रखा होता है। अब कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा स्पेशलिटी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा रहता है। सो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यहाँ पर वर्क करेंगे सो इसमें जो पे स्केल मिलेगा आपको काफी अच्छा मिलेगा। सो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, बीएससी रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट आता है बीएससी कार्डिक लैब टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। सो देखो बेसिकली परफ्यूजन होता क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और सभी जगह पहुंचाता है बॉडी में। तो हार्ट क्या काम कर रहा है, हार्ट परफ्यूजन का काम कर रहा है बॉडी में सभी जगह ब्लड को पहुंचाने का, प्रॉपर जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन उसको करने का। मगर अगर सपोज करो कार्डिक सर्जरी हो रही है या हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है या लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उस केस में जो हार्ट है वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो क्या करेंगे, मशीन जो है मशीन वो काम करेगी ब्लड को पंप करने का। सो जो लोग इस मशीन को हैंडल करते हैं जो कि परफ्यूजन का काम करती है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उन लोगों ने कोर्स किया होता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट का। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सो द कोर्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स यूज टू सपोर्ट और अज्यूम द फंक्शन ऑफ द हार्ट और द लंग्स ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर। द परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट प्रिपेयर एंड ऑपरेट द हार्ट लंग मशीन एंड अदर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स। सो ड्यूरिंग द कार्डिक सर्जरी जो हार्ट लंग मशीन है हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, उसको ऑपरेट करना आपको आ जाएगा। तो ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है और कुछ ही लोग मिलेंगे आपको इंडिया में जिन लोगों ने ये कोर्स कर रखा होता है, तो काफी डिमांडिंग कोर्स है ये। और इस कोर्स में आप कार्डिक सर्जन के साथ काम कर रहे होंगे, इसके अलावा जो लंग ट्रांसप्लांट सर्जन है उनके साथ आप काम कर रहे होंगे। सो ए परफ्यूजनिस्ट प्रोफेशनल कंट्रोल द कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन ड्यूरिंग कार्डिक सर्जरी एंड वेरियस काइंड ऑफ अदर सर्जिकल रिक्वायर्स फॉर परफ्यूजनिस्ट टू हैव द कंट्रोल ओवर द पेशेंट फिजियोलॉजी स्टेटस। सो सर्जरी के टाइम पे पेशेंट प्रॉपर बना रहे, उसकी फिजियोलॉजी प्रॉपर बनी रहे, उसमें परफ्यूजनिस्ट का रोल होता है मशीन को ऑपरेट करके। नेक्स्ट कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी। सो इसमें आपको जो वेरियस यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं लाइक एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी मींस जब पथरी हो जाती है तो पथरी को तोड़ने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है ये उसका नाम है। सो उसको कैसे डिवाइस को ऑपरेट करना है वो सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा यूरोडायनेमिक्स, यूरोफ्लो टेक्नोलॉजी, हैंडलिंग यूरोलॉजिकल एंडोस्कोप्स, जो वेरियस डिवाइसेस होते हैं जो कि यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज होते हैं वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। इस कोर्स को करने के बाद किसी भी मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आसानी से जॉब मिल जाएगी आपको। इसमें आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे होंगे, नेफ्रोलॉजी के सर्जन के साथ काम कर रहे होंगे इस कोर्स को करने के बाद। सो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है इन पैरामेडिकल। नेक्स्ट जो कोर्स आता है दैट इज बीएससी स्लीप टेक्नोलॉजी। सो इस कोर्स में क्या होता है, ये कोर्स एक तो ऑफर बहुत कम जगह होता है। सो इसमें आपको जो वेरियस स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या जो न्यूरो डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू द ब्रेन
वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा जो मशीन ऑपरेट है वो कैसे करते हैं, पॉलीसोमोग्राफी, न्यूरोफिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाएंगी। इस कोर्स को करने के बाद आपके अंदर क्या क्या स्किल आ जाएगी, स्लीप एपनिया टेस्टिंग, पॉलीसोमोग्राफी डेटा उसको इवेल्युएट करना, इसके अलावा जो ईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो ब्रेन की मैपिंग होती है उसको करना आ जाएगा, उसको रीड करना आ जाएगा। इसके अलावा एक्टिग्राफी, स्पायरोमेट्री, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी दैट इज ईजी, ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट जो पैरामेडिकल कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी। इस कोर्स को करने के बाद यू आर एबल टू असिस्ट और मॉनिटर द इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन मीन्स जब प्रॉपर सांस नहीं आ रही होती है तो क्या करते हैं, हम एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं ट्रेकिया में और उसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो दिया जाता है। इसके अलावा जो वेरियस लंग्स से रिलेटेड टेस्ट हैं उन सभी को करना आपको इसमें सिखाया जाएगा। सो वेरियस जो टेस्टिंग लैब्स हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहां पर आपको आसानी से यहाँ पर जॉब मिल सकती है। सो जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग है वो आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा एडवांस कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कोर्सेज। नेक्स्ट कोर्स आता है दैट इज बीएएसएलपी, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसमें आपका वर्क क्या होता है, बेसिकली टू ट्रीट हियरिंग स्पीच एंड बैलेंस डिसऑर्डर, मींस या तो किसी एक्सीडेंट के बाद या तो फ्रॉम बर्थ। कुछ लोगों में जो हियरिंग इंपेयरमेंट है, इसके अलावा जो स्पीच की इंपेयरमेंट है वो सब आ जाती है। सो उसको ट्रीट करते हैं वो पर्सन जिन लोगों ने कर रखा होता है बीएएसएलपी दैट इज ऑडियोलॉजी और स्पीच में जिन लोगों ने अपना बैचलर्स कर रखा होता है। सो इस कोर्स को करने के बाद आप या तो खुद का भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट जो कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन न्यूरो टेक्नोलॉजी और न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। 4 साल का कोर्स है, 3+1 ईयर, मींस 1 साल की इसमें रहेगी इंटर्नशिप। सो इसमें होता क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सर्जरी टू मॉनिटर न्यूरल पाथवे ड्यूरिंग हाई रिस्क न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, पेरिफेरल नर्व एंड वैस्कुलर सर्जरीज। मींस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी जो प्रॉपर नर्व फंक्शन है या जो प्रॉपर ब्रेन फंक्शन है चलता रहे, उसको मॉनिटर करने के लिए जो पर्सन होते हैं उन लोगों ने कर रखा होता है ये वाला कोर्स। सो इसमें आप न्यूरो सर्जन के साथ काम कर रहे होंगे, इसके अलावा जो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जरीज हैं वहां पर आप एज ए असिस्टेंट काम कर रहे होंगे। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कोर्सेस। नेक्स्ट कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन एम्बेलमिंग एंड मॉर्चरी साइंस। सो ये थोड़ा हटके कोर्स है। इसमें होता क्या है कि मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है। सो उसमें जो बॉडी है उसको डिसेक्ट करके देखा जाता है, सारे जो ऑर्गन्स वगैरह हैं सब चीजें उसमें पढ़ी जाती हैं बॉडी के अंदर। देखो नॉर्मली क्या होता है, बॉडी जो है वो खराब होने लगती है आफ्टर सम टाइम ऑफ दैट, मीन्स 1 से 2 दिन बाद ही बॉडी में जो प्यूट्रिफिकेशन है उसका जो प्रोसीजर वो स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी जो है वो डिके होने लगेगी। सो मेडिकल कॉलेज में बॉडी को कैसे बचाया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, जो फॉर्मेलिन होता है इसके अलावा कुछ और जो केमिकल्स होते हैं उसको मिला के बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। उसका भी एक कोर्स होता है, बैचलर्स इन एम्बेलमिंग एंड मॉर्चरी साइंस। सो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो चीजें होती है उसमें सिखाया जाता है आपको। सो ये भी एक बहुत यूनिक कोर्स है। हालांकि इसमें आपको जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही रहेंगी, इसके अलावा जो मॉर्चरीज वगैरह होती है वहां पर रहेंगी। मेन तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर ही आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। दूसरे कोर्सेज के कंपैरिजन में जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें कम रहती हैं, मगर फिर भी एक इंटरेस्टिंग कोर्स बन जाता है। नेक्स्ट कोर्स आता है दैट इज बीएससी इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी। सो इसमें क्या होता है कि लाइक कोई भी फ्रैक्चर हो गया या कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर हो रहा है, सो उसमें आपको जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ऑर्थोपेडिक सर्जन को असिस्ट करना होगा। इसके अलावा जो फ्रैक्चर्स वगैरह हैं उसको कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी, बीएससी ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो कोर्स आता है बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। सो तो काफी फेमस कोर्स है, आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा। इसमें होता क्या है कि अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स वगैरह होती हैं, उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लाइक सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा अगर फ्रैक्चर हो रखा है फ्रैक्चर के बाद फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो बॉडी है वो प्रॉपर अपनी दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाए। तो उसमें जो लोग हेल्प करते हैं उन लोगों ने ये कर रखा होता है बीपीटी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। 4 साल का कोर्स रहता है और इसमें जो हाफ ईयर है हाफ ईयर की रहती है इंटर्नशिप। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामेडिकल कोर्स आता है दैट इज बीओटी, बैचलर्स इन ऑक्यूपेशन थेरेपी। सो जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है वो करते क्या है, दे प्राइमरीली फोकस ऑन द ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम द फिजिकल और मेंटल कंडीशंस। अगर हम बात करें या तो फ्रॉम बर्थ हो सकता है या बाय फॉलोइंग एन एक्सीडेंट या कोई भी दूसरे कारण होते हैं जिसके कारण जो मेंटल डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होता है। उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो लोग थेरेपी कराते हैं उन लोगों ने कर रखा होता है बीओटी, बैचलर्स इन ऑक्यूपेशन थेरेपी। सो जैसे बीपीटी होता है इट इज एन एड इन द ट्रीटमेंट, वैसे ही जो बीओटी है वो भी क्या है, इट इज एन एड इन द ट्रीटमेंट। आप हेल्प कर रहे होंगे उन लोगों की जो लोग डिसेबल्ड हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल में जो नेक्स्ट कोर्स मिलेगा वो मिलेगा आपको बीपीओ दैट इज बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक। सो इस कोर्स में होता क्या है,
सो पहले तो ये समझते हैं कि ऑर्थोटिक्स होता क्या है। सो लाइक जैसे पेशेंट है वो प्रॉपर चल नहीं सकता, सो उसके सपोर्ट के लिए सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है जिससे वो प्रॉपर जो है वॉक कर सके। आपने देखा होगा फिर हॉस्पिटल सेटिंग में अपने आसपास कुछ बच्चों को सपोर्ट के थ्रू चलाया जाता है जो लोग प्रॉपर वॉक नहीं कर सकते या जो वेरियस फ्रॉम बर्थ हो सकता है या किसी एक्सीडेंट के बाद हो सकता है। सो जो प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते उनमें क्या होता है एडिशनल एड्स हैं उनका यूज करके उनको हेल्प की जाती है। जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उन लोगों ने कर रखा होता है कोर्स बीपीओ का, दैट इज प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स में उन्होंने अपनी बैचलर्स कर रखी होती है। सो दिस पर्सन हेल्प इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद द लोकोमोटर डिसेबिलिटी और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। सो या पर्सन को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उस केस में या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है उस केस में। इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प पीपल विद फुट डिसऑर्डर्स, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट इंजरीज, डिसऑर्डर्स ड्यू टू एजिंग, टेंडिनाइटिस, मस्कुलर पेन, एस्थेटिक रिस्टोरेशन। इसके अलावा द प्रोफेशनल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉम्प्रिहेंसिव प्री एंड पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एम्पुटेशन एंड अदर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। द प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स प्रोफेशनल मेक्स ए पेशेंट इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट कि वो पर्सन को इस लाइक बना देंगे कि पर्सन जो है किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं रह जाएगा। जॉब की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आप किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोर्स मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का। मीन्स मेडिकल फील्ड में काफी सारा डेटा जनरेट होता है, सो उनको हैंडल करना, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, उनके लिए भी स्पेशलाइज्ड मैनपावर रिकॉर्ड होती है। और उस स्कूल को सीखने के लिए जो कोर्स होता है दैट इज एमआरटी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। बेसिकली इस कोर्स को जो पीसीबी वाले हैं वो भी कर सकते हैं, पीसीएम वाले हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने कॉमर्स और आर्ट्स से अपना ट्वेल्थ किया होता है वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। सो एक कॉमन सा कोर्स है। सो ये थे हमारे पास 25 प्लस पैरामेडिकल एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज जो कि आप कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। सो अगर आपका मेडिसिन का सिलेक्शन होता है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मगर अगर मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं होता है सो लाइफ खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शन बचे हुए होते हैं। तो हमें वाला घोड़ा नहीं बनना है जिसकी आंखों के साइड से ब्लाइंडर्स लगे हुए होते हैं और उसको सिर्फ सामने ही दिखता है, साइड भी नहीं दिखता। यू हैव टू बी अ पर्सन विद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। सो अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत सारी हैं, जस्ट ऑल यू नीड इज टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लाइफ जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। आपको अपना डायमेंशन सर्च करना है कि आपके लिए परफेक्ट डायमेंशन कौन सा हो सकता है। सो इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पर। आपको इन पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा इन सभी कोर्सेज के बारे में बहुत सारी वीडियोस बन रखी हैं चैनल पे, सो यू कैन विजिट द चैनल एंड सी द वेरियस इंस्टीट्यूट दैट इज ऑफरिंग दिस कोर्सेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से लेकर रिगार्डिंग कैरियर और एडमिशन, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। मिलते हैं बच्चों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। Yes.